यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 24। यशाया 24। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने के पर है, वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा, और जैसा यजमान वैसा याजक, जैसा दास वैसा स्वामी, जैसी दासी वैसी स्वामिनी, जैसा लेने वाला वैसा बेचने वाला, जैसा उधार देने वाला वैसा उधार लेने वाला, जैसा ब्याज लेने वाला वैसा ब्याज देने वाला, सबों की एक ही दशा होगी। पृथ्वी शून्य ही शून्य और सत्यानाश हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग कुम्हला जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया है और विधि को पलट डाला है और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण शाप पृथ्वी को ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। नया दाख मधु जाता रहेगा, दाख लता मुरझा जाएगी, और जितने मन में आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांस लेंगे। डफ का सुखदायी शब्द बंद हो जाएगा, प्रसन्न होने वालों का कोलाहल जाता रहेगा, वीणा का सुखदायी शब्द बंद हो जाएगा, वे गाकर दाख मधु न पिएंगे, पीने वाले को मदिरा कड़वी लगेगी। सुनसान होने वाली नगरी नाश होगी, उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई पैठ न सकेगा। सड़कों में लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे, आनंद मिट जाएगा, देश का सारा हर्ष जाता रहेगा, नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेगा, और उसके फाटक तोड़कर नाश किए जाएंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों में एक ऐसा होगा जैसा कि जलपायु के झाड़ने के समय व दाख तोड़ने के बाद कोई कोई फल रह जाता है। वे लोग गला खोलकर जय जयकार करेंगे और यहोवा के महात्म्य को देखकर समुद्र से ललकारेंगे। इस कारण पूर्व में यहोवा की महिमा करो और समुद्र के द्वीपों में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का गुणवादन करो। पृथ्वी की छोर से हमको ऐसे गीत की ध्वनि सुन पड़ती है कि महिमा और बड़ाई धर्मी के लिए है, परंतु मैंने कहा हाय हाय, मैं नाश हो गया नाश। विश्वासघाती विश्वासघात करते, वे बड़ा ही विश्वासघात करते हैं। हे पृथ्वी के रहने वालों, तुम्हारे लिए भय और गड्ढा और फंदा है, और जो कोई भय के शब्द से भागे वह गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे में फंसेगा, क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नेव डोल उठेगी। पृथ्वी फटफट कर टुकड़े हो जाएगी, पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी, वह मतवाले की नाई बहुत डगमगाएगी और मचान की नाई डोलेगी, वह अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी और फिर न उठेगी। उस समय ऐसा ही होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी ही पर दंड देगा, और वे बंधुओं की नाई गड्ढे में इकट्ठे किए जाएंगे और बंदीगृह में बंद किए जाएंगे, और बहुत दिनों के बाद उनकी सुधि ली जाएगी। तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा।